अगर घर में बिल्ली है तो आप खतरे में हैं। अगर आपको चमगादड़ दिखे तो संभल जाइए। अगर आपके आसपास ऊंट है तो सावधान रहिए। हिमालय के उस पार से आ रहा है एक खतरा। ड्रैगन के मुल्क में है मौत का शोर। मौत का कनेक्शन डोर टू डोर। किलर वायरस मेड इन चाइना। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किलर वायरस मेड इन चाइना और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त चाइना डरा हुआ है, खौफ में है चाइना और दहशत में भी, अदृश्य दहशत। अब ऐसे में जब दुश्मन नजर नहीं आए तो सामने वाला करे भी तो क्या करे, और ऊपर से दुश्मन के बारे में जब ज्यादा पता ना हो तो इंतजार के अलावा किया भी क्या जा सकता है। इन तमाम मुश्किलों में चीन है, एक नाम है नोवेल कोरोना वायरस, और इन वायरस ने दरअसल चीन में तबाही मचा रखी है। लगातार लोग वायरस की चपेट में आते जा रहे हैं और इससे बचने का फॉर्मूला तैयार नहीं है। चीन तभी तो परेशान है, साथ ही साथ दूसरे देश भी अब अलर्ट पर हैं इस किलर वायरस से। क्या है किलर वायरस मेड इन चाइना, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस खास शो में देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए किलर वायरस मेड इन चाइना। तो नोवेल कोरोना वायरस की चर्चा हर कहीं हो रही है। हाल ही में इसके तेजी से फैलने की बात भी सामने आई। एशिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौत होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन सबसे ज्यादा परेशान है, कई और देश भी परेशान हैं, जहां कोरोना वायरस ने पांव पसार डाले हैं। भारत में यह वायरस पहुंच ना जाए इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। ड्रैगन के शहर में छा रहा सन्नाटा, चीन पर मंडरा रहा अदृश्य खतरा, चीन की गलियों में जानलेवा वायरस, चीन में खतरा, भारत में अलर्ट। नोवेल कोरोना वायरस, ये शब्द नया है लेकिन खतरनाक है। इस नोवेल कोरोना वायरस ने दुनिया को डरा रखा है। दरअसल नोवेल कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नोवेल कोरोना वायरस से मरने वालों में एक इंसान चीन का भी है। चीन के वुहान में 5 जनवरी को नोवेल कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। चीन के वुहान और शेंजेन शहर में धीरे धीरे ये वायरस अपने पैर पसार रहा है और अब इस वायरस से दुनिया भर के लोग दहशत में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में इस खतरनाक वायरस की चपेट में अब तक कुल 40 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। इसके अलावा थाईलैंड और जापान में भी इस वायरस ने कदम रख दिया है। चीन से बाहर अब तक ऐसे 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस के तार चीन के वुहान शहर से जुड़े हैं। ये जो अभी चीन में वायरस निकला है, ये वायरस कुछ म्यूटेंट है। इसकी वजह से बुखार आता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और निमोनिया हो जाता है और फिर उसको आदमी मर जाता है। तो ये 10 में से 4 लोगों के लिए थोड़ा लीथल है और इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, और ये मैन टू मैन ट्रांसमिशन है इसका, और इसका ट्रीटमेंट अभी निकला नहीं है। नॉर्मली जितने भी वायरस होते हैं बॉडी में आते हैं और अपने आप छोड़ के बॉडी को चले जाते हैं, पर ये थोड़ा लंबा होता है और इससे निमोनिया के बाद जो है लंग फेलियर हो जाते हैं, और जो डायबिटिक हैं, जिनको किडनी बीमारी है और लंग्स की बीमारी है, उनमें ये ज़्यादा फैलने की उम्मीद है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस की गहन समीक्षा की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वायरस अभी विकसित हो रहा है। नोवेल कोरोना वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश हो रही है और कुछ हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है। कोरोना वायरस एक अनदर वायरस डिजीज है। बेसिकली इसकी जेनेसिस वहाँ से पकड़ी गई है, चाइना से। और उसकी इम्पोर्टेंस इस समय एक तो ये है कि वो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आया है और ह्यूमन से ह्यूमन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। और एक वरी बहुत ये है कि इस समय उनके यहाँ चाइना में एक फेस्टिवल होने वाला है जो कि 25 जनवरी को होगा। उसमें चाइना में मिलियंस में लोग अपने गाँव अपने शहर जाते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं। तो ये हुआ जहाँ से एक पर्टिकुलर जगह से वो जो उसकी शुरुआत हुई है वो और रैपिडली स्प्रेड करेगा, लोकल भी स्प्रेड करेगा और एयर ट्रैवल से जो लोग जा रहे हैं उससे इंटरनेशनल स्प्रेड भी कर सकता है, ये माना जा रहा है इसका खतरा है। इस वायरस के तेजी से फैलने के कारण भारत सरकार ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ में एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले लोगों की एहतियातन थर्मल स्कैनर के जरिए जाँच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही चीन जाने वाले और वहाँ से आने वाले यात्रियों पर नजर भी रखी जा रही है। चीन में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सजग हो गया है और इसके लिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई और कोलकाता एयरपोर्ट पे भी अलर्ट किया गया है। बाकायदा स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई है। हम खड़े हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चीन में 41 लोगों के अंदर इस वायरस की पुष्टि की गई है और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये वायरस जो है वो आदमी से आदमी में फैलता है, यानी व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। और इसे लेके सरकार पहले से ही एहतियात बरत रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने थर्मल स्कैनर के माध्यम से जो हवाई अड्डे हैं खासतौर पे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के, यहाँ पे चीन से आने वाले लोगों की बाकायदा स्क्रीनिंग की जाती है जिससे कि इस वायरस को भारत में फैलने से रोका जा सके। ऐसे में भारत सरकार पहले से ही अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिना कोई लापरवाही के खासतौर पे पूरी तरह से यहाँ पे सजग हो गया है। और यही वजह है कि यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर जो है स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई, जहाँ पे खासतौर पे चीनी यात्री या जिस भी यात्री पे शक हो कि इस वायरस की चपेट में है या आ सकता है, उन लोगों की बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। अन्य एयरपोर्टों पे भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। और यही नहीं, जो खास तौर पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हॉस्पिटल हैं, चाहे एम्स की बात करें, सफदरजंग की बात करें, अन्य हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ भी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ में भी एहतियातन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थानों में इसके लिए बेड भी आरक्षित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। PGI, लोहिया संस्थान, KGMU समेत कई अस्पताल में अलग से बेड रखे भी गए हैं। चीन में फैले कोरोना नाम के वायरस को देखते हुए लखनऊ के MOC एयरपोर्ट पर भी स्कैनर मशीन लगाया गया है। अब चीन से आए हुए सभी यात्रियों को इस स्कैनर मशीन से होकर गुजरना पड़ेगा। लखनऊ CMO ने बताया है कि राजधानी के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई भी मरीज मिलता है तो उनको तत्काल उस अस्पताल में भर्ती करा के उसको सही समय पर उपचार किया जा सके। आखिरकार नोवेल कोरोना वायरस क्यों खतरनाक है, ये वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, सब जानकारी हम आगे आपको देंगे। क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस से अगर बचना है तो हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कोरोना वायरस है क्या, ये आपको बताते हैं। तो WHO के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस सी फूड से जुड़ा है, यानी कि समुद्र में जो जानवर पाए जाते हैं उनसे ये वायरस ऊंट, बिल्ली, चमगादड़ सहित कई पशुओं में प्रवेश कर जाता है और इंसानों को भी वायरस से ग्रसित पशु संक्रमित कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। इस वायरस का मानव से मानव संक्रमण वैश्विक स्तर पर कम है।
WHO के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस सी फूड से जुड़ा है, लेकिन सी फूड से फिर ये दूसरे जानवरों में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद इंसानी जिस्म में भी दाखिल हो जाता है। और इसकी सबसे ज्यादा मार अभी फिलहाल तो चाइना पर पड़ रही है, लेकिन ये वायरस कभी भी किसी भी देश में पहुंच सकता है। मौत तक इस वायरस से हो जाती है। तो नोबल कोरोना वायरस के लक्षण मरीजों में आमतौर पर जुखाम, खांसी, गले में दर्द, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। बीमारी शुरू होने के बाद निमोनिया से परेशान हो जाएंगे लोग, किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। मरीजों में आमतौर पर जुखाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत भी आती है, बुखार भी इसके शुरुआती लक्षणों में से एक है। तो क्या कुछ हो सकता है? निमोनिया से परेशान हो सकते हैं, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। तो हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं, अगर साबुन ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। नाक और मुंह को कवर करके रखें, मास्क पहन के चलें जब ये वायरस ज्यादा प्रभाव छोड़ने लगे। बीमार लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। उनके बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, उन्हें हो सके तो छुएं भी ना, और घर को साफ रखें। बाहर से आने वाली चीजों को भी साफ करके ही खाएं। नॉनवेज, खासकर सी फूड खाने से बचें, क्योंकि कोरोना वायरस सी फूड से ही फैला है। तो हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं, ये सबसे एहतियातन कदम हो सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, नाक मुंह को कवर करके रखें, यानी कि मास्क पहनें, और बीमार लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि हो सकता है उसे वही वायरस हो और वो आप में दाखिल हो जाए। घर की साफ सफाई रखें, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, खास तौर पर नॉनवेज से बचें, उसमें भी सी फूड से। और अब इसका इलाज क्या हो सकता है? अभी तक दरअसल कोरोना वायरस के निजात पाने के लिए वैक्सीन तैयार नहीं है, और वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने का काम वैज्ञानिक कर जरूर रहे हैं, लेकिन इसका वैक्सीन तैयार नहीं है। यानी कि प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा इलाज है। अभी तक कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन जो तैयार नहीं हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार इसकी चपेट में आए और ये हावी हो गया तो फिर ये अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सब कहां से फैला? ये वायरस खासतौर पर चीन से हुई है इसकी शुरुआत। जी हां, हमारे पड़ोसी देश चीन से। चीन के वुहान शहर में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, यहीं पर सबसे ज्यादा ग्रसित हैं लोग। चीन के साथ ही जापान, थाईलैंड, सिंगापुर में भी कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं।